यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बड़ी तादाद में जेल से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया, लेकिन कोर्ट का यह फैसला अब जेल प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि कैदी लौटने को तैयार नहीं। कोरोना आया तो कईयों के लिए सौगात लाया। सौगात का कोरोना से कोई ताल्लुक है ऐसा कहना शायद नाइंसाफी ही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना के खौफ से ही सही लेकिन जेल की सलाखों के पीछे अपना वक्त काट रहे कैदियों के लिए कोरोना सौगात की तरह ही आया। सालों साल सलाखों के पीछे वक्त गुजारते इन कैदियों के लिए जमानत या मामले में बरी हो जाने जैसा ही मौका होता है जब इन्हें खुली हवा में सांस लेने की छूट मिल सके या फिर वो छुट्टी जो इन्हें बतौर जेल में एक वक्त के बाद मिलनी होती है। हालांकि कोरोना की दस्तक के साथ बढ़ते संक्रमण का खतरा जब जेल तक पहुंचने और जान जाने की आहट सुनाई देने लगी तो कोर्ट ने खुद ही कैदियों पर रहम दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित रखने की गरज से खुली हवा में छोड़ने का फैसला किया। हालांकि आजादी स्थायी नहीं बल्कि तभी तक थी जब तक कोरोना के संक्रमण का खतरा कम नहीं हो जाता। लेकिन आगरा से जो खबर आई है उससे तो लगता है कि कैदी अब जेल लौटने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस आजादी को स्थायी इंतजाम या फिर आदेश मान लिया है। जेल से कोरोना संक्रमण काल में पैरोल पर रिहा हुए 18 बंदी सिरदर्द बने हुए हैं। ये बंदी पैरोल की अवधि खत्म होने के बावजूद अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। इंतजार करने के बाद जेल प्रशासन ने इन बंदियों की हालत जानने के लिए 15 जिलों के पुलिस अधिकारियों को खत लिखा है, इससे इन बंदियों को जेल में पकड़कर हाजिर किया जा सके। रिहा हुए 114 कैदियों में से 26 तो लौट आए हैं लेकिन बाकी कैदी आने को तैयार नहीं। पैरोल पर रिहा किए गए 114 कैदी में से 88 कैदी अभी तक जिला जेल में हाजिर नहीं हुए हैं और इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा की ये जिला जेल है, कोरोना काल में अप्रैल महीने में संक्रमण बढ़ने के चलते शारीरिक दूरी प्रभावी करने के प्रक्रिया के तहत 114 कैदियों को पैरोल मिली थी और ये वो कैदी थे जिनको 7 साल या उससे कम सजा हो चुकी है और ऐसे में 114 कैदियों की जो पैरोल की जो अवधि है वो नवंबर महीने में अभी तक खत्म हो चुकी है और उसमें से केवल 26 कैदी ही हाजिर हुए हैं। अभी तक 88 कैदी हाजिर नहीं हुए और उसके बाद अब जेल प्रशासन ने 15 जिलों के पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इन कैदियों को हाजिर कराने में मदद मांगी है। इन बंदियों के पैरोल का वक्त भी दो बार खत्म हो चुका है लेकिन नवंबर महीने के आखिर तक इनका कोई पता नहीं चल सका है। अब पुलिस इनसे सख्ती से निपटने की बात कर रही है। देखिए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कुछ कैदियों को जो है न पेरोल पे न भेजा गया था, जो उसमें से कुछ लोग नहीं वापस जेल के अंदर गए थे, कुछ लोग हाजिर हुए हैं, उसमें से 88 लोग अभी शेष है, उनकी सूची जो है वो प्राप्त न हुई है। संबंधित टीमों को निर्देशित न किया गया है कि ऐसे लोगों को न के चिन्हित करके उनका सत्यापन करके उनको जेल फिर से गिरफ्तार करके जेल न भेजने की कार्रवाई की जाए। साथ ही में चोरी और अन्य जो घटनाएं हो रही है उनके ऊपर भी सतर्कतापूर्वक निगरानी रखी जा रही है। वास्तव में ये सवाल जेल प्रशासन के सामने इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि कोर्ट भी लगातार कैदियों को पैरोल से वापस लाने के आदेश दे चुकी है। ऐसे में अगर इन कैदियों की वापसी नहीं होती है तो पुलिस और जिला प्रशासन पर कोर्ट की अवमानना का भी मामला बन सकता है। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।